बिहार में बढ़ते कोरोना कहर के बीच जागरूकता अभियान भी तेज हो चला है। पटना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच द्वारा कोरोना जांच को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। संस्था के द्वारा राजधानी में कोरोना जांच शिविर लगाया गया और कई लोगों को कोरोना की निःशुल्क जांच कराई गई। मंच की संयोजिका अर्चना राय ने लोगों से कोरोना जांच कराने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। कोविड जांच का 5वां दिन है लगातार, और दो संस्थाएं मिलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच एवं महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। उसकी पूरी तैयारी, हमारे 10-15 वॉलेंटियर हर तरह से व्यवस्था में लगे हुए हैं, और आज 5वां दिन है इसका। जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में भी अभी जितने लोग हैं, लगता है मुझे डेली 50 लोग तो जांच के नाम से दूर भाग रहे हैं। बहुत अवेयर करके उनका जांच, उनको बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि लोग अपने लिए जो है आज भी अवेयर नहीं है कि जांच जरूरी है। तो यहाँ पे लगाने से हमारा शिविर ये अच्छी चीज़ें आ रही है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, और बहुत भारी संख्या में आपने देखा भी कि इतने 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का भी लोग फैमिली से आके इसलिए यहाँ आके करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनको भीड़ नहीं मिल रही है। ये लोग जो है कहीं हॉस्पिटल में जाके नहीं कराना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ शांत माहौल है, यहाँ पे ही आप, यहाँ तो वैक्सीनेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएँ मिले। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।